और बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अब, क्योंकि जिस तरह से बड़ी खुशी अब देश की जनता में देखी जा रही है, जब से इस घटना को अंजाम देगा, ऑपरेशन को अंजाम देगा। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलवामा का पहला बड़ा बदला जो भारतीय वायुसेना की तरफ से लिया गया, और तस्वीर हम आपको गाजियाबाद की दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर तिरंगा लहराया जा रहा है। आम जनता में भी खुशी है, और 21 मिनट में 12 विमानों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, और POK में एयरफोर्स की सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ पर हुई है। और जिस में बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में यहाँ पर 300 आतंकियों को ढेर किया गया। गाजियाबाद की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से अब खुशी यहाँ पर जो है देश की जनता में देखी जा रही है, और जब से पुलवामा आतंकी घटना हुई थी और उसमें जवान शहीद हुए थे, उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में लगातार आम जनता, सामाजिक संगठन, हर एक वो आम नागरिक सड़कों पर उतर कर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा था। लेकिन आज उन शहीदों की शहादत को और साथ ही शहीदों को असली श्रद्धांजलि आज मिली है, क्योंकि बड़ी कार्रवाई यहां पर भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई है, और बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में 300 आतंकी ढेर हुए हैं। फरवरी को 40 लोगों की शहादत का बदला लिया है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है, POK पर हमला किया गया है, 21 मिनट कार्रवाई की गई है। लोगों में खासा उत्साह है, ये सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और इनके अंदर जो जोश है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे वंदे हिंदुस्तान। आप बताएं कितनी खुशी होती है क्योंकि भारत ने बदला लिया है। भारत हमें बहुत ज्यादा खुशी है, हम इसको कुछ कह हम जवान से कह नहीं सकते कि हमें कितनी खुशी है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसमें 300 से 400 आतंकवादियों को ढेर किया है, 14 फरवरी का बदला लिया गया, क्या कहेंगे? हम बहुत खुश हैं, हमें बहुत खुशी है, हमारे मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें उनसे यही उम्मीद थी। बात करेंगे आखिर ये कितना खुश है, क्योंकि जो 14 फरवरी है उसका बदला चंद ही दिनों में लिया गया है, क्या कहेंगे? बदला लिया गया है, 40 जवान जो शहीद हुए थे उनकी शहादत पर फिलहाल ये कार्रवाई की गई, क्या कहेंगे? इसमें माननीय मोदी जी ने ये दिखा दिया है कि मेरा सीना 56 इंच का बोला था मैंने, और वो 56 इंच का सीना उन्होंने दिखा दिया है भारत को और पाकिस्तान को, और जो भारत की जनता थी वो सुबह उठने से पहले टीवी खोलती थी और थी कि पुलवामा का बदला लिया गया है नहीं। आज सुबह उठते ही जैसे ही टीवी खोला है तो एकदम दिखाई दिया कि पुलवामा का बदला 40 की जगह 400 आदमी मार के भारत ने बदला ले लिया है। हमारे देश के जांबाज सिपाहियों ने अपनी ताकत दिखा दी है और अभी आगे और दिखाएंगे, अभी चुप नहीं बैठेंगे। इसका बदला 4000 आदमी मार के वहां का दम हमारे देश को तसल्ली होगी। पाकिस्तान एक बड़ी बैठक कर रहा है अपने अधिकारियों के साथ और कह रहा है कि ये बदला कोई बदला नहीं है, किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इस पर क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान झेप रहा है? देखिए, ये तो पाकिस्तान की जो है शुरू से ही यही नीति रही है कि भाई उसके खिलाफ जो है कहीं कुछ भी होता है तो वो तो बता के राजी नहीं है, क्योंकि जब कहते हैं ना, जब आदमी जो है जब डाउन होता है, अपनी पोजीशन जब उसकी डाउन जाती है तो वो अपने आप में ही जो है मतलब खत्म महसूस करता है, लेकिन आगे वाले को जो है बताना नहीं चाहता कि भाई मेरे अंदर जो है कोई गुंजाइश नहीं रही है। पाकिस्तान झेप रहा है, बिल्कुल झेप रहा है, और वो जो है आने वाले होती रहेंगी। सरेंडर या तो कर देगा पाकिस्तान या उसको ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। एक महिला भी है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे 21 मिनट की कार्रवाई और 300 से 400 जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तोयबा के आतंकी ढेर हुए हैं, क्या कहेंगे? क्या कहूंगी, बहुत बढ़िया हुआ है। 13वीं तो अभी हुई है, अभी तो बाकी है, शहाद है, उसके बाद सालगिरह है, सब कुछ धीरे धीरे होते जाएगा। कहीं और जोहर बनाने अभी भारत से पाकिस्तान के साथ में महिला ने क्लियर कर दिया है कि अभी भारत कहीं और अटैक करेगा, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो पाकिस्तान से इस ये जो टक्कर ली है भारत ने, और जो पाकिस्तान कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जबकि सुबह ये क्लियर हो गया है सभी न्यूज चैनल्स के द्वारा, और जो मंत्रालय है उन्होंने क्लियर कर दिया है, मोदी जी इस टाइम बैठक में बैठे हुए हैं और तमाम अधिकारी ये कह रहे हैं 21 मिनट की कार्रवाई की गई है। मिराज 2000 के द्वारा बम बरसाए गए हैं, 1000 किलो का एक बम था, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूंगा, और सबको पता भी है कि पाकिस्तान शुरू से झूठ का एक पुलिंदा रहा है, झूठ उनकी रग रग में बसा है, उन्होंने कभी नहीं माना कि हिंदुस्तान की तरफ से हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। पीछे भी अगर मुड़ करके देखें तो जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था उसका भी वो विरोध करते रहे कि नहीं हुआ,
लेकिन अगर वहाँ की जनता को देखा जाए उसके बाद उन्हीं के मीडिया चैनल्स दिखाना शुरू करते हैं कि कितना कच्चा है पाकिस्तान अपने आप में, और अगर हिंदुस्तान ने अपना रंग दिखाना शुरू किया तो वो कहीं भी नहीं दिखते। तौबा तौबा वाला वीडियो भी कहा था जो वायरल हो रहा है, तौबा तौबा कर रहा है पाकिस्तान का एक रिपोर्टर, लेकिन लोगों में जो खासा उत्साह है वो अपने आप में देखने को बन रहा है। एक और शख्स से इनसे बात करेंगे। अपनी सेना पे, अपने दोस्तों पे जिन्होंने हमारे लिए इस बदले को पूरा किया, जिन्होंने हमें गर्वांगित महसूस कराया, जिसको हम फूले नहीं समा रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। लोग बेहद खुश हैं और इस उत्साह को बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री उन्होंने साफ कर दिया है कि आप केवल तय करें कि कहां हमला करना है, कितने आतंकी होंगे। मेरी तरफ से झूठ है और जो लोग हैं उनमें खासा होता है, क्या कहेंगे? मैं आपका कुछ भी सुना ही नहीं जी। जो कुछ किया है बहुत बहुत अच्छा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद है कि हमारा पूरा मतलब विपक्ष से लेकर के सारे जनता एक साथ है, और जो सेनाओं को जो छूट दी गई है तो और कुछ होगा। और पाकिस्तान को सेना को छूट देना आप ठीक मान रहे हैं, और जो कार्रवाई की गई है बेहद सराहनीय मानी जा रही है, बहुत सराहनीय है जी। 8 तारीख को इधर जो है एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स पर अभी जो है डोमेस्टिक एयर जो लाइन्स है वो भी उड़ेंगी। 8 तारीख को खुद मोदी जी यहाँ पहुँचेंगे उसका आरोहण करने के लिए, क्या कहेंगे, कितना उत्साहित है? हम आप इससे बहुत ज्यादा जोश में हैं, हम आप कह बता नहीं सकते कि हम कितने जोश में हैं। हम जो मोदी जी ने जो स्ट्राइक करी है ये एक बहुत सराहनीय कदम है, और ये इसको हम बता नहीं सकते हम कितने होश में। मोदी जी जिंदाबाद। आप बताइए सर, जो 21 मिनट की कार्रवाई है उसे पाकिस्तान झुठला रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, इस पर खासतौर से क्या टिप्पणी आपकी? मेरी इस पर टिप्पणी ये है कि पाकिस्तान की शुरू से आदत रही है, वो कभी भी जो पहले भी जो बदला लिया गया था उरी का, उसमें भी उसने नकार दिया था कि हमसे कोई बदला नहीं दिया गया, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, और वो अभी भी यही कह रहा है। उसकी तरफ से अभी भी जो वो ट्वीट आया था सुबह 4 बजे वो यही आया था कि हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जो भी ये उनके जहाज जरूर आए थे लेकिन वो वापस चले गए, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन वो झेप रहा है, उसके चेहरे से पता चल रहा है कि वो उसके साथ उसका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान झेपता नजर आ रहा है, जो खुश है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि पाकिस्तान पहले भी पूरे हमले के दौरान झेप रहा था, और अब इस बार भी उसने वही अपनी कारगुजारियां जारी रखी है। सर आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके की कार्रवाई है उसे किस तरीके से कितने नंबर देना चाहेंगे? भाई मैं तो इसमें नंबर जो है 100 होते हैं, अगर ज़्यादा होते तो मैं ज़्यादा भी देता। और साथ ही मैं जो है ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये जो है पाकिस्तान पे जो है जो कार्रवाई हुई है ये पहली कार्रवाई नहीं है, कार्रवाइयाँ और भी बहुत पहले हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान हर चीज़ को जो है नकारता रहा है। लेकिन आज मैं इस बात से जो है बहुत खुश हूँ कि कम से कम जो है जो पाकिस्तान पर कार्रवाई हो रही है, जो हमारे देश में भी जो गद्दार बैठे हुए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, और ये मुहिम जो है जारी रहेगी जब तक जो है ये गद्दार जो है समाप्त नहीं हो जाएंगे या पाकिस्तान को सबक नहीं मिल जाएगा, तब तक कार्रवाइयाँ जो चलती रहेंगी। और जहाँ तक क्या चाहते हैं आप, कितनी और कार्रवाई होनी चाहिए? हम ये चाहते हैं कि जब तक जो है पाकिस्तान अपने आप को सरेंडर ना कर दे तब तक जो है इनके ऊपर कार्रवाइयाँ होती रहनी चाहिए, और साथ ही जो है उनकी जो जनता है वो जो है उनसे जवाब मांगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पता है तो अपने जुर्म को स्वीकार करें। जाहिर तौर पर इन सभी लोगों का एक तौर से ये कहना है, सभी का ये कहना है कि जो कार्रवाई की गई है भारत के द्वारा पाकिस्तान पर 21 मिनट का जो हमला किया गया है, राहुल गांधी के द्वारा भी निरंतर ट्वीट किया जा रहा है कि एयरफोर्स को सलाम कर रहे हैं वो, हालांकि ये पब्लिक के द्वारा इसे राजनीतिक स्टंट भी माना जा रहा है, लेकिन जिस तरीके की खुशी लोगों में है जाहिर तौर पर वो लाजमी भी है, क्योंकि पाकिस्तान पर हमला किया गया है, POK पे हमला किया गया है, मिराज 2000 ने हमला किया है, 1000 किलो के कई 100 बम वहाँ पर गिराए गए हैं, 300 से 400 फिलहाल आतंकी ढेर बताए जा रहे हैं, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा जैसे दुर्दांत जो संगठन हैं उनके आतंकियों को ढेर किया गया है। फिलहाल इन लोगों में खुशी है और ये खुशी आगे भी बरकरार रहने वाली है। गाजियाबाद से अपने सहयोगी हिमांशु के साथ जितेंद्र भाटी, लाइव 24।